स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल वाले लेसन को लेकर चल रहे थे आपके, जिसमें हमने अब तक 3 वीडियो आपको दे दी थी इसके बारे में। आइए जानते हैं इसके ही बारे में कि कैसे मूल निवासियों का विस्थापन हुआ, यूरोप में इंपेरिज्म किस तरीके से आया, या फिर यूरोप के साम्राज्यवाद को किस तरीके से हम देखते हैं। साथ ही हमने इसमें जाना था कि नॉर्थ अमेरिका किस तरीके से फला पूरा, और यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे या इस नेटिव पीपल्स थे, वे किस तरीके से चीज़ों को लेन देन करते थे। देखा गया कि यहाँ पर चीज़ों को गिफ्ट के रूप में लिया दिया जाता था, और साथ ही हमने यहाँ पर इन लोगों के द्वारा एनकाउंटर होने वाले नामों को भी पढ़ा कि यूरोप में इसे किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, यूरोप में इन चीज़ों को यूरोपियनों से इसका मुकाबला कैसे करते हैं हम। साथ ही साथ हमने जाना पर्टिकुलर उस समय के दौरान पारस्परिक धारणाओं को, जो म्यूचुअल प्रिसेप्शन के नाम से जानी जाती हैं, कि किस तरीके से उन लोगों ने इन चीज़ों में बदलाव किए, या फिर इन चीज़ों को लेकर समझा कि लाइफ में कैसे ये बढ़ सकते हैं। साथ ही हमने कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उन हिस्सों को जाना था, जिसमें पर्टिकुलर एक बड़ा हिस्सा अलग अलग तरीके से कनाडा के हाथों में था, और पर्टिकुलर दूसरा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ था। इसी को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे इसके बारे में। द कंट्री दैट आर नो एज कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कम इन टू एक्सटाइल एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं शताब्दी के अंत में वजूद में आए थे। एट दैट टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द लैंड दैट दे नाउ कवर। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही वे उस वक्त कब्जे में रखते थे या फिर कवर करते थे उस समय के दौरान। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स दे एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर मोर टेरिटरी। अगले 100 सालों में इन्होंने अपने कंट्रोल को, अपने एक्सिस्टेंस को एक्सटेंड करते हुए, बढ़ाते हुए अलग अलग टेरिटरीयों पर कब्जा किया, टू रीच देयर प्रेजेंट साइज, और आज के इनके प्रेजेंट साइज पर ये पहुँचे। लार्ज एरिया वाज एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय परचेजिंग दे ब्रोथ लैंड इन द साउथ फॉरम फ्रांस। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए के पास इतना बड़ा एरिया जो आया है, वो उसने साउथ का एरिया फ्रांस से परचेज किया है। उसके अलावा कुछ हिस्सा इसने रशिया से, जो अलास्का का है इसके पास। इसके अलावा वार के दौरान साउथर्न यूएसए ने कुछ जीता है मैक्सिको से। इसके अलावा हमने फिगर में जाना था, फिगर में हमने पूरी तरीके से देख लिया था कि पर्टिकुलर ये कौन कौन से एरिए थे। आप देख सकते हैं इस फिगर में नीचे अलग अलग कलर से हमने इनके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम जानते हैं इट डिड नॉट ऑकर्स टू अमंग एनी वन दैट द कंसेंट ऑफ द नेटिव लिविंग इन दीज एरियाज शुड हैव बीन आस्क्ड। मुख्य रूप से किसी भी के भी मन में यह ख्याल नहीं आया कि इन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों का क्या हुआ होगा, उनकी रजामंदी थी या नहीं थी इस चीज़ को करने में। कहीं ना कहीं इन्हें डिविक्टेड किया गया होगा या एक्सटाइल किया गया होगा, उनके क्षेत्रों से इन्हें निर्वासित कर दिया गया होगा, पर्टिकुलर उनके क्षेत्र से। इसके अलावा हम देखते हैं कि द नेटिव्स आल्सो वर फोर्स टू मूव बैक। इसके अलावा मूल निवासियों को वापस खिसकने के लिए बाध्य किया गया होगा। कनाडा और यूएसए के बारे में जानते हैं। हम देख रहे हैं 1803 के उस समय को, जहां पर हम फ्रांस से लुइसियाना को ख़रीदते हुए देख रहे हैं। 1800 से 25 से 58 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों द्वारा सूगों को देख रहे हैं, जो आरक्षित क्षेत्र तक पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा 1832 के आसपास जस्टिन मार्शल के फैसले को देखते हैं हम। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश को देखते हैं। 1861 से 65 में अमेरिकी गृह युद्ध देखा जाता है। 65 से 90 में भी अमेरिकी इंडियन युद्ध के रूप में इसे देखा गया है, और 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे ट्रांस कॉलोनी कॉन्टिनेंटल रेलवेज के रूप में हम समय को देखते हैं। इसके अलावा 1800 के आसपास हम देखते हैं बिशन, ऑलमोस्ट जो सांड हुआ करते थे, जंगली भैंसे होते थे, उन्हें किस तरीके से ख़त्म किया गया था वहाँ से। इसके अलावा 1892 में हम देखते हैं एंड के रूप में अमेरिकी फ्रेंच
फ्रंटियर को। इसके अलावा हम इधर अगर कनाडा की बात करें तो 1837 के आसपास हम फ्रांस की कनाडाई विद्रोह को देखते हैं। 1840 में हम यहाँ के कैनेडियन यूनियन के अपर और लोअर कैनेडियन लोगों को देखते हैं यूनिट के रूप में या यूनियन के रूप में। इसके अलावा 1859 में हम कनाडा के गोल्ड रश को देखते हैं। 1860 में सर में कनाडा को एक कॉन्फेडरेशन के रूप में या महासंघ के रूप में देखा जाता है। 1869 से 85 के बीच में हम रेड रिवर रिबिलियन या विद्रोह को देखते हैं, जो मुख्य रूप से उस समय के दौरान कनाडा में मेटिनसो द्वारा हुआ था। इसके अलावा हम 1876 के आसपास कनाडा इंडियंस एक्ट को देखते हैं, जो अमेरिका द्वारा लागू किया गया था। 1885 में हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे को देखते हैं, जो लिंक करता था ईस्ट और वेस्ट के कोस्टों को, तटों को, उनसे जुड़ाव को महसूस करता था। इसके अलावा लैंडस्केप के अंतर्गत अमेरिका के में ज़बरदस्त बदलाव आए हैं 19वीं सेंचुरी के आसपास। द यूरोपियन ट्रीटेड द लैंड डिफरेंट फ्रॉम द नेटिव्स। यूरोपियन लोग बहुत अलग अलग तरीके से इनका यूज करते थे। सम ऑफ द माइग्रेट फ्रॉम द ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स वुड नॉट इनहेरिट। इसके अलावा हम देखते हैं पर्टिकुलर उस समय के दौरान कि इनमें से कुछ छोटे बेटे के होने के कारण पति की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। इसके अलावा उस समय के दौरान हम देखते हैं लेटर देयर वर वेव ऑफ द इमिग्रेट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक जर्मनी स्वीडन एंड इटली हु हैड लॉस्ट देयर लैंड टू बिग फार्मर्स एंड वांटेड फार्म दे कुड ओन। मुख्य रूप से उस समय के दौरान हम देखते हैं कि किस इसी वजह से अमेरिका के ज़मीन में मालिक बनना चाहते थे ये लोग, और जर्मनी स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों के प्रवासी भी उमड़ पड़े थे उस समय के दौरान। ज़मीन के बड़े किसानों के हाथ से ये ज़मीनें जाती जा रही थी। ऐसी ज़मीन चाहते थे ये लोग जिसे वे अपना कह सकें, ये देखने को मिल रहा था इन पर्टिकुलर एरियो में। पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द पेरिज ग्रास लैंड विच रिमाइंडेड देम ऑफ द स्टेप ऑफ देयर होम एंड वर एक्सटल्ड एट द बिकमिंग एबल टू द बाय ह्यूज प्रॉपर्टीज एट द वेरी लो प्राइजेज। और साथ ही हम उस समय के दौरान देखते हैं कि किस तरीके से पोलैंड के लोगों को पसंद था पेरेरी क्षेत्रों में काम करना, इन चरवाहों में काम करना उन्हें अच्छा लगता था। और साथ ही घरों के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे ये सब उन्हें, और बहुत कम कीमतों पर बड़ी संपत्ति खरीद पाना है उनके लिए बहुत ही पसंदीदा हो गया था। यहाँ पर ये एक प्रॉफिटेबल वर्क था उनके लिए उस समय के दौरान। इस कारण डेवलप हो रही थी एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस हो रहे थे हम विभिन्न प्रकार की खेती से, जिसमें चावल और कॉटन भी आते हैं। इसके अलावा यूरोप के अंतर्गत हम देख रहे थे कि इस तरीके से इन्हें बेचकर ये प्रॉफिट कमा रहे थे। प्रोटेक्ट किया जा रहा था फार्मों को, वाइल्ड एनिमल्स को और वुल्व्स को, माउंटेन लॉयंस को, इनका शिकार किया जा रहा था, क्योंकि इसके ज़रिए से उन्हें सफाया इन्हें मारा जा रहा था ताकि ये इनके जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा हम देखते हैं 1873 में कंटीले तारों की खोज के बाद वे अपनों को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये ब्लेडेड वायर काफ़ी हद तक उन्हें सुरक्षित रखते थे। इसके अलावा हम यहाँ नीचे एक फिगर देख रहे हैं, ये पिक्चर दिखाई गई है कोलोराडो का एक पशु फार्म के रूप में, रेंच इन कोलोराडो। रेंच पशु फार्म के लिए या फिर जानवरों के फार्म के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। द क्लाइमेट ऑफ द साउथर्न रीजन वाज टू हॉट फॉर यूरोपियन टू द वर्क आउटडोर एंड एक्सपीरियंस ऑफ साउथ अमेरिका कॉलोनीज हैड सो दैट द नेटिव्स हु हैड बीन इन सेल्व द डाइड ऑफ द लार्ज नंबर
प्लांटेशन ओनर देयर फॉर ब्रॉथ सेव इन अफ्रीका प्रोटेस्टेड बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स लेड टू ए बैन ऑन स्लेव ट्रेड बट द अमेरिकन हु वर इन द USA रिमेन स्लेव एज डिड देयर चिल्ड्रन। घरों के बाहर काम करने के लिए लिहाज से दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी, लेकिन फिर भी दक्षिणी अमेरिका में यह अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी बड़ी संख्या में मौत का शिकार हो रहे थे। इसी कारण बगान के मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे और दास प्रथा विरोधी समूहों को विरोध के चलते दासों के व्यापार पर रोक लग गई थी उस समय के दौरान। लेकिन देखने को ये मिलता है कि अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे अभी भी दास बने रहे या फिर उनके द्वारा दास के रूप में काम करवाया जाता था। द नॉर्थन स्टेट ऑफ USA वर इकोनॉमी डिड नॉट डिपेंड ऑन द प्लांटेशन। साथ ही हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम था वह बगानों पर आधारित नहीं था, इसलिए दास प्रथा पर भी हम एक सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नहीं टिका हुआ था। दास प्रथा या फिर स्लेवरी जो थी वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही थी, ख़त्म की जा रही थी। इसे एक अमानवीय प्रथा या इनह्यूमन प्रैक्टिस के रूप में देखा जा रहा था। इसके अलावा हम 1861 से 65 के बीच दास प्रथा के जारी रहने वाले और उसके ख़त्म होने वाली चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट करते हैं। स्लेवरी को सपोर्ट और अबोलिशन को लेकर चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इसके अलावा द लेटर वॉन स्लेवरी वाज अबोलिश और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वे जीत गए और उन्होंने दास प्रथा का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया या उसे ख़त्म कर दिया। हालांकि अफ्रीका मूल के अमेरिकियों को नागरिकों के रूप में स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिली थी, 20वीं शताब्दी के आसपास उन्हें जाकर वह मिली। तभी स्कूलों में और बस ट्रेनों में उन्हें अलग अलग व्यवस्था को समाप्त किया गया, नहीं तो तब तक देखा जाता है कि उन्हें दास के रूप में ही देखा जाता है, जिसके बारे में आपने रोजा पार्कर की कहानी भी सुनी होगी कि किस तरीके से उसने पर्टिकुलर उस समय के दौरान सबसे पहले अबोलिश मूवमेंट को या अपार्टाइड पॉलिसी को ख़त्म करने की कोशिश की थी, रंग भेद के ऊपर जो ये नीति थी उस चीज़ को में सुधार लाने की कोशिश की थी। कनाडाई गवर्नमेंट के सामने एक समस्या थी कि वह लंबे समय तक हल नहीं हो पा रही थी, वह थी कि मूल निवासियों के सवालों के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती हुई ये 1763 के आसपास ब्रिटिश लोगों के फ्रांस में हुई लड़ाई जो कनाडा जीता था। वहाँ फ्रांसीसी आबकार लगातार सोवियत राजनीति दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा हम 1867 के आसपास की इस प्रॉब्लम को सोल्व होते हुए देखते हैं कि किस तरीके से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग कनाडा को लेकर कॉन्फेडरेशन बनाने की या महासंघ बनाने के रूप में इसे संगठित करने ते हुए इसकी इस समस्या का कर रही थी। इसके अलावा नेटिव पीपल्स लॉस्ट देयर लैंड, किस तरीके से वहाँ के मूल बाशिंदों ने अपनी ज़मीनें खो दी और उन्हें बेदखल कर दिया गया, उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। USA के सेटलमेंट को एक्सपेंड होते हुए देखते हैं और साथ ही उन मूल निवासियों को देखते हैं, नेटिव्स को देखते हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, फोर्सफुली उन्हें मूव कराने की कोशिश की गई है। साथ ही हम शाइनिंग करते हुए देखते हैं उस ट्रीज को जो सेलिंग कर रही है उनके भूमि को, साथ ही हम उस प्राइस को पेड करते हुए देखते हैं जो बहुत कम है और काफ़ी हद तक वे लोगों को पसंद नहीं है। इसके अलावा हम इसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं कि यूरोपियन लोग किस तरीके से US को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ चीट किया जा रहा है और उनकी भूमि को पेलेस बताते हुए पेमेंट किया जा रहा है कम दामों का। उन्हें पैसे देने के मामले में वादा खिलाफी की यह समस्याएँ बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं उस समय के दौरान। इवन हाई ऑफिसर्स यहाँ तक कि उच्च अधिकारी भी उन नेटिव्स लोगों की दखलंदाजी उनकी ज़मीनों पर गलत मान रहे हैं।
यहाँ जॉर्जिया के एक प्रकरण को देख रहा जा रहा है। जॉर्जिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ही एक राज्य है, जिसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर वहाँ पर चिरकोनी कबीला राज्य की कानूनों से अशासित होता है, और लेकिन नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। और मुख्य रूप से अगर रिपीट की जाने वाली बात को देखा जाए, तो यहाँ पर हम उन मूल निवासियों को देखते हैं जो चिरकोनी में रहते हैं और अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकी जीवन शैली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उन्हें नागरिक बनने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तब भी वे अपने जीवन को बहुत हास महसूस कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये देखने को मिलता है। 1832 के आसपास संयुक्त राज्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जजमेंट अनाउंस किया जाता है। यूएस चीफ जस्टिस द्वारा जॉन मार्शले किस तरीके से इसके बारे में जजमेंट देते हैं, और वे कहते हैं कि जो ये विशिष्ट समुदाय है, यह सब सत्ताधिकार वाले इलाकों में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता इनके। कहीं ना कहीं ये सच भी है, और साथ ही हम देखते हैं कि कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न उन राज्यों में हम ये देखते हैं कि संयुक्त राज्यों के राष्ट्रपति एडिन जैक्सन अपनी छवि और आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाली बातों को लेते हुए इंडियंस का यह मामला सामने आता है, जो बिल्कुल इसके उलट है, बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिलता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अपनी ज़मीन में अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ते हुए अमेरिकी फौज को भेज दिया जाता है, जिसमें लगभग 15,000 लोगों को वहाँ से हटाया जाता है फोर्सफुली, और साथ ही ये इनके लिए क्वार्टर बनाने दिए जाते हैं, जिसमें इसे उस समय ट्रेन ऑफ टियर के नाम से, या फिर आंसू की राह के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इस राह में काफ़ी लोग मारे जाते हैं। ये 15,000 लोग जो अपनी जीविका को अच्छे तरीके से चला पा रहे थे, वे अपनी जीविका को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं, नष्ट होती जा रही है इनकी जीविका, और इस चीज़ को लेकर बाद में सर दोज हु टुक द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइब्स जस्टिफाइड इट बाई सेइंग द नेटिव्स डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड विच दे डिड नॉट यूज टू द मैक्सिमम। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिन लोगों के रहने के लिए कबीलों की ज़मीनें ली गई हैं, ये इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासियों की ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो इसलिए उनके कब्जे में उन्हें नहीं रहने देनी चाहिए। ये वैसे तो एक बेतुकी बात होती है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को समझते हुए चलते हैं कि उन लोगों ने इन चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उन्होंने एक तरीके से ये कहने की कोशिश की है कि ये कबीले वाले एक तरीके से असभ्य हैं, ये नहीं जानते कि इन ज़मीनों का क्या यूज करना है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो पर्टिकुलर है उस जगह पर रह रहा है, उसका स्वामित्व या उसकी ओनरशिप उस ज़मीन को लेकर है, तो वह बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वह अपनी ज़मीन के लिए कर क्या कर सकता है। दे वेंट क्रिटिसाइज दे फॉर बीइंग लेजी सिंस दे डिड नॉट यूज द क्राफ्ट स्किल्स। और साथ ही साथ कहा जाने लगा कि ये जो मूल निवासी हैं, ये उनकी आलोचना की गई कि वे आलसी हैं, वे बाजार हेतु तो किसी भी प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हुए नहीं हैं, क्राफ्ट्समैनशिप से नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वे ढंग के कपड़े नहीं पहनते, जैसे कि यूरोपियन कपड़े पहनते हैं। पर्टिकुलर कुल मिला के उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उनके स्किल और उनकी इंफॉर्मेशन को लेकर उन पर बातें की जाती हैं। डिजर्व टू डाई आउट, ये यहाँ पर रहने लायक नहीं है, मर खपने लायक ही हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। द पेरेरीज वर्ड क्लियर फ्रॉम द फार्म लैंड एंड वाइल्ड बीसन किल्ड ऑफ प्रिमिटिव मैन विल डिसपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल्स रोट ए विजिटिंग फ्रेंच मैन। इसके अलावा खेती की ज़मीन निकलने के लिए पेरेरीज को साफ किया जा रहा है, जंगली भैंसों को मारा जा रहा है। साथ ही फ्रांसीसी आगंतुकों के द्वारा लिखा गया है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो चुके हैं।
इसके अलावा हम एक्टिविटी दो के रूप में देखते हैं, नेटिव वाइस और मिक्स यूरोपियन और ब्लैक्स को, कि किस तरीके से इन्हें यूएसए में 1820 और स्पेनिश अमेरिका में 1800 के आसपास देखा गया और कितने मिलियंस में इनकी संख्या रही। जैसे कि मैं अगर बात की जाए नेटिव्स की, तो ये 6 लाख रहे 1820 में, और इसके बाद 75 लाख स्पेनी अमेरिका के रूप में रहे। इसी तरीके से ये अलग अलग संख्याएं देखने को मिल रही हैं। मैन वाइल द नेटिव्स वॉज पुश्ड वेट वर्ड गिवन लैंड एल्सवेयर देयर इज द प्रिपेरिटी बट ऑफ्टन मूव अगेन इफ एनी मिनरल लैंड और गोल्ड और ऑयल वॉज फाउंड ऑन द लैंड मैनी ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू शेयर द लैंड ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाई वन ट्राइब थस लीडिंग टू क्वाड्रल बिटवीन दैम। और इसी बीच मूल निवासियों द्वारा पश्चिम की ओर धकेले जाने पर उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीनें दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से बेदखल होना पड़ता था और उनकी ज़मीनों के अंदर शीशा, सोना या तेल जैसे खनिजों के होने का पता चलता। प्राय कई समूहों के मुख्यतः किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन में साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रिजर्वेशन को लेकर। इसके अलावा ये फाइट लगातार चलती। यूएस आर्मी क्रॉस ए सीरीज ऑफ द रिबेलियन फ्रॉम 1865 टू 1890 एंड इन कनाडा देयर वर आर्म्ड रिवोल्ट बाय द मैरिड पीपल ऑफ द नेटिव यूरोपियन डिसेंडेंट बिटवीन 1869 टू 1885 बट आफ्टर दे डेथ दे गिव अप। इसके अलावा हम इस रिजर्वेशन आरक्षण के अंतर्गत देखते हैं कि ऐसी ज़मीनें होती थी जिनके से उनका कोई भी रिश्ता नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़मीनों के लिए उन्हें बिना लड़े छोड़ दिया जाता था। संयुक्त राज्य की फौज 1865 से 1890 के बीच में विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला का दमन करती है और कनाडा में 1859 से 1885 के बीच मेंटिशो, जो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज हैं, के साथ सशस्त्र विद्रोह करती है, मतलब कि आर्म्ड के रूप में उनके साथ पूरी लड़ाई की तरीके से लड़ा जाता है, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली थी, जिसके कारण उन्हें पर्टिकुलर अपने स्थानों से जाना पड़ा था, ये देखने को मिलता है। और इसी तरीके से हम इस पॉइंट को यहीं तक रखते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में लेकर आएंगे कि किस तरीके से उस समय के दौरान चीज़ों में बदलाव हुआ। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धियों के बारे में जानेंगे कि कैसे उस समय के चीज़ों में विकास हुआ। साथ ही स्पीकर को भी समझेंगे जहाँ पर मूल निवासियों का एक घर के रूप में 1862 में बनाई हुई यह जगह है। यह एक झोपड़ी नुमा संरचना को दिखाती है। 1862 में पुरातत्व ने इसे पहाड़ों के बीच में से ले जाकर व्योमिंग के एक संग्रहालय या म्यूजियम में रख दिया था, ताकि वे इसके बारे में समझ सकें और दिखा सकें कि वे लोग किस तरीके से रहा करते थे। इन्हीं चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके क्लास।